Hello students, how are you? I hope all of you are fine. In the last session we discussed about ourselves, that is about me. खुद के बारे में हमने पढ़ा था, खुद का एक छोटा सा introduction पढ़ा था. I hope आप सबने वो सब याद कर लिया, introduction अपने notebook में लिख लिया है. अब उसके बाद next lesson है, that is our body. Next है अवर बॉडी, यानी कि अपना जो शरीर है वो. सो अवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स. अपनी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं एंड दे हैव अ स्पेसिफिक जॉब टू डू. अब उन पार्ट्स का एक स्पेसिफिक जॉब होता है कि हमें ये काम इसी बॉडी पार्ट से करना है. तो आज हम वो अपने सारे बॉडी पार्ट्स को पढ़ेंगे. पहले लेट्स सी इनटू द बुक कि बुक में क्या दिया है. अभी आप देखेंगे कि ये लेसन टू है, दैट इज़ अवर बॉडी. इसमें एक गर्ल का ड्राइंग है, ये देखिए, और इसमें सारे बॉडी पार्ट्स बताए गए. जैसे कि ये हेड है, यानी कि अपना जो सर होता है उसे हेड बोल हिंदी में सर बोलते हैं, और जो ये हेड है इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये हेड लिखा है यहाँ पे. फिर जो बाल होते हैं उनको हेयर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे हेयर है. फिर आँखें को आइज बोलते हैं, नोज नाक को नोज बोलते हैं, फिर जो नोज होता है, फिर जो कान होते हैं उन्हें ईयर बोलते हैं, फिर जो अपना मुंह होता है उसे माउथ बोलते हैं, फिर मुंह के जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम लोग चिन बोलते हैं, फिर उसके बाद जो गला होता है उसे हम लोग नेक बोलते हैं इंग्लिश में, फिर ये जो शोल्डर है वो दोनों साइड यहाँ पे ये देखिए, तो ये शोल्डर हो गया. फिर उसके बाद ये चेस्ट पार्ट है, देन ये स्टोमक है, यानी कि आपका जो पेट है वो. फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो कोनी होता है यहाँ पे, यहाँ ये एल्बो पार्ट है. फिर उसके बाद ये आर्म्स हैं आपके, ठीक है, ये आर्म्स हो गए. फिर ये जो आगे ये जो पार्ट दिख रहा है इसे हैंड बोलते हैं, यहाँ पे ये फिंगर्स हैं. फिर ये जो है थंब है, ये देखिए यहाँ पे ये थंब है, यानी कि आपका जो अंगूठा है, उंगलियों को फिंगर्स बोलते हैं. फिर ये जो है यहाँ पे नी है, ये लेग्स का पार्ट है, ये फुट कहा जाता है ये जो पार्ट होता है, और ये टो कहते हैं इस पार्ट को. अब इसमें आप मैंने सारे बॉडी पार्ट्स के नेम लिखे हैं. जो पहले देखते हैं कि हेड, ये जो पूरा है हेड अपना सर. फिर हेयर जो बाल्स हैं, फिर ये ईयर, फिर उसके बाद आंखें दैट इज आईज, फिर नोज नाक, फिर यह माउथ आपका जो मुंह है वो, ये चिन, ये जो है इसे हम लोग चिन बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे है इसे चिक बोलते हैं, ठीक है, ये चिन हो गया. फिर ये नेक यानी कि आपका गला. फिर उसके बाद ये शोल्डर, ये है शोल्डर्स का पार्ट. फिर है चेस्ट, फिर है स्टोमक, ये है स्टोमक का पार्ट. अब ये है एल्बो, ये कोनी जो होती है वो एल्बो होते हैं. फिर ये है आर्म्स, और फिर हैंड, और ये फिंगर्स 1 2 3 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, ठीक है, एक थंब. तो दो हाथ में कितनी फिंगर्स हुई, 8 फिंगर्स और 2 थंब्स, ठीक है, दो थंब्स, ये हो गया. फिर ये है जो नी है आपका, नी ये, फिर लेग है, फिर फुट एंड देन टो, नीचे का पार्ट जो होता है उसे हम लोग फुट बोलते हैं, और फिर वहीं पे टो. अब आपके लेग्स में भी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, और दोनों है दोनों लेग्स का करेंगे तो 8 फिंगर्स एंड 2 थंब्स. अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हैंड तो दो हो गए, फिंगर्स भी हो गए, थंब. अब ये आपको कि आपके जो हैंड है और फिंगर है वो किस काम आते हैं, उनका जो वर्क है क्या वर्क है, वो आपको सोच के लिखना है. जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि मैं जो ये हैंड और फिंगर है इनका वर्क है राइट, यानी कि लिखने के लिए, ठीक है, ये सब करने के लिए, तो ये हो गया राइट का. और अगर मैं दूसरा इसमें देखूं, दैट इज ड्रॉइंग के लिए. आप ड्रॉ भी कैसे करते हैं, फिंगर्स के, ये जो मैं लिखा दैट इज फिंगर्स का, हैंड्स का यूज है. फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे ड्रॉइंग बनाऊं तो वो किसके लिए यूज आएगा, तो ये फिंगर्स और हैंड्स का ही ऑब्वियसली यूज है. तो ये हो गया हमारा ड्रॉ के लिए फिंगर. ये मैंने दो इसके फंक्शन या फिर दो इसका वर्क आप बोलेंगे वो मैंने आपको बता दिया है. अब हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट है कि जो आपके लेग्स हैं, लेग किस काम आते हैं. तो
लेग्स और ये जो आपका फीट है ये सब किस काम आते हैं, तो भी ले सकते हैं आप इसमें। एक तो आपको वॉक करने में यानी कि चलने में, ये जो अगर आप वॉकिंग करें, वॉक करने में, चलने में आपको काम आएंगे, रनिंग में भी आप लिख सकते हैं। फिर अगर आप जैसे कि कोई गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि स्केटिंग है, ये गेम है, अगर वो आप खेलते हैं तो उसमें भी काम आते हैं, तो ये आपको उसके वर्क लिखने हैं, लेग फुट और ये। फिर अगर मैं माउथ पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो माउथ है वो किस काम आता है, ये जो माउथ है ये आपको किस काम आता है, एक तो ईटिंग के लिए, खाने के लिए, और बोलने के लिए। मैं बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ माई माउथ, अब माउथ से मैं बोलती हूँ, तो बोलने के लिए और ईटिंग के लिए यानी कि खाना खाने के लिए। फिर पानी पीने के लिए भी, तो मैं दो लिख दे रही हूँ, दैट इज ईट और ड्रिंक, ये दो चीज के लिए काम आएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स का नाम लिख देंगे, दैट इज वॉकिंग के लिए, या फिर दूसरा एक स्पोर्ट ले लेंगे, स्केट, स्केटिंग जो करते हैं उसके लिए काम आ सकता है। तो ये मैंने तीन बता दिए कि हैंड्स और फिंगर्स का राइट एंड ड्रॉ, लेग्स एंड फुट का वॉक एंड स्केट, माउथ का ईट एंड ड्रिंक। अब आपको और दो लिखने हैं कि माउथ किस काम आते हैं, हैंड किस काम आते हैं, और लेग और फुट किस काम आते हैं। तो आपका होमवर्क यही हो जाएगा कि आपको सारे बॉडी पार्ट्स याद होने चाहिए अपने, ये जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो याद होने चाहिए, ये आपके बॉडी पे कहाँ कहाँ पे ये पार्ट्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो नोटबुक्स में आपको ये बॉडी पार्ट्स के नेम लिख लेने हैं, फिर इनके दो दो काम लिखने, दो दो वर्क लिखने हैं, दो मैंने लिख दिए, दो और आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहीं तक अपना ये चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट आगे जो सेंस ऑर्गन्स है वो नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।